तो हेलो फ्रेंड्स, आज का एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाला कि कैसे एक मिक्स रिदम से हम लोग ट्रैक बनाएंगे। वो भी अभी चल रहा है पॉपुलर में, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, उसी का आज मैं आप लोगों को बीट बनाने वाला हूँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अब इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा लाऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन बनाने में, म्यूजिक बनाने में सबसे ज़्यादा आपको पावरफुल होगा। नो कॉपीराइट का सबसे ज़्यादा चांस आप लोगों को रहेगा। तो आप लोगों को देर न करते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने गाकर ही आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से बनाना है, कैसे इसको बीट क्रिएट करना है, कैसे इसमें कौन सा कोड लगाना है, सारे चीज़ मैं आप लोगों को बारी बारी से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब मैं आप लोगों को जो रेड कलर या सब जो मैंने किया है, ये आप लोगों को एक कोड बेस है, ठीक है, कोड बेस है, कोड बेस मैं आप लोगों को बनाना बता दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं आप लोगों को पहले इसका लूप आप लोगों को सुना देता हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से मैंने इसका बीट को क्रिएट किया है। आप लोगों को फिर से सुना देता हूँ। दीप जला के दिवाली मनाऊंगा, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा। मेरे भोपुरी यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का कर रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग फिर से। दीप जला के दिवाली मनाऊंगा, मेरे ढोकुरी के भाग आज खुली जाएंगे राम आएंगे, मेरे ढोकुरी के भाग अब खुली जाएंगे राम आएंगे। तो देखिए मिक्स रिदम में आप लोगों को करना पड़ता है क्या कि जो इसमें आप लोगों को ब्रेक जो रहेगा उसी चीज को आप लोगों को यूज करना है, ठीक है ना। अलग से बी रेक लगाने का इसमें जो फील होता है उसका कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं रहता। तो मैं आप लोगों को मेरा जो डबिंग कैसा लगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि इसमें मैं अपना जो पैटर्न क्रिएट किया हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला। तो आप लोगों को वीडियो जो है से मिलने वाला है। और अब मैं बेसिक में आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या किया है कि अपना देख लीजिए, यहाँ पर कोड बेस जो है से बनाया है। जैसे मेरे पास 86 का लूप्स है इसी से, दीप जला के दीवार, ठीक है। तो अभी मैं इसको बना रहा था, इसको बनाने के बाद ख्याल आया कि आप लोगों को कुछ वीडियो दे दूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो की बेस 5 पर नहीं लाया था और बाकी चीज़ में। तो आप लोगों को अगर प्यार दुलार सपोर्ट रहा तो आप लोगों को, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बीट इसमें बनाने का सबसे पहले टेम्पो आप लोगों को ले लेना है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपना जो डमी होगा उसको स्केल पता कर लेना है कि किस स्केल पे वो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ देखिए, अगर मानते हैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को कुछ सपोर्टेड इसका सुना दूँ तो अंगना सजाऊंगा, ठीक है ना। इसका ए बीट नहीं है, इसका ए इसको अगर ये लगाएंगे, दीप जला के दिवाली मनाऊंगा, हो राम आएंगे तो अंग, ठीक है ना, अंगना सजाऊंगा। इसका स्केल पता होना चाहिए, जब स्केल पता आप लोगों को हो जाएगा तो देख लीजिए, मैं इसमें कुछ नहीं किया, बस इतना ही इसमें डाला हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप लोगों को अगर नहीं, अगर अच्छा आवाज आ रहा है तो आप लोगों को करना क्या है कि चले जाना है डीले में। डीले में जाने के बाद आप लोगों को देखिए मिक्सिंग का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों को इसको ऐसे कर लेना है इसको, और इसको थोड़ा सा ऐसे इसको घटा देना है, ठीक है ना, इसको
इस तरह से कर लेना। देखिए अब इसको मैं आप लोगों को बता बजा के सुनाऊंगा तो आवाज की तो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दीवाली मनाऊंगा, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग अब खुली जाएंगे। देख रहे हैं ना यहाँ इसमें मिस्टेक है, तो इसको हम लोग इस मिस्टेक को कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए इसी में से हम पार्ट, इसी में से जो ब्रेक, इसमें जो के भाग अब ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसी को एक पार्ट, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब अगर काटते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए म्यूजिक को आगे बढ़ाना है तो इसको करना है ऐसे और कंट्रोल डी कर लेना है, ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे तो हम लोगों को जितना मेरे झोपड़ी के भाग अब खुली जाएंगे राम आएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ से अगर मेरा मन हुआ तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसको मजा नहीं आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग अब खुली जाएंगे राम आएंगे, खुली जाएंगे राम आएंगे, ठीक है, तो अब हमको इसमें से लग रहा है कि इसमें से हमको लेना पड़ेगा, इसमें से हमको लेना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए आप लोगों को हमेशा क्या होना चाहिए कि एक ऐसा होना चाहिए तो तभी आप लोगों को इसको बीट को आगे आज खुली जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग। देखिए देखिए मैं लाइव आप लोगों को बना रहा हूँ तो इसमें देखिए क्योंकि बीट में क्या होता है ना कि मिक्स रिदम में आप लोगों को समझना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये मेरा सजाऊंगा दीप जला के दीवाली मनाऊंगा। अब यहाँ से क्या करना है कि ये जो लास्ट पार्ट हो जाता है तो हम लोग को लास्ट पार्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि म्यूजिक पार्ट रख लेना है, ठीक है, मैं म्यूजिक पार्ट के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि करना क्या है, चलिए मैं इसको उठाकर ऊपर ले जाता हूँ, तो आप देखो देखिए मेरा इसमें आप लोगों को समझाने का पूरा जेन्युइन तरीका है, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ बेसिक में, यहाँ से हम लोग चार ले लेते हैं, एक दो तीन चार, म्यूजिक पार्ट के लिए हम लोगों को चार होना चाहिए, ठीक है, और इसी तरह से फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं म्यूजिक फिर हम चार लेते हैं, ठीक है ना, अब चार लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो मेरा जो म्यूजिक का जो पार्ट था यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ से हम इस तरह ले लेते, आप लोगों को जो करना होगा कर लीजिएगा अपने हिसाब से, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका ज़रूरत यहाँ है, ठीक है ना, मेरे झोपड़ी की भागे अब खुली जाएंगी राम आएंगे, राम आएंगे तो ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, आप लोगों को देखिए बारीकी से मैं समझा रहा हूँ, इतना म्यूजिक का पार्ट हो गया और बस आराम से अगर आप लोगों को देखिए ताल वाला अगर सेट करना है जैसे अंतरा होती ना अंतरा, तो अंतरा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ से बेसिक पार्ट हम लोग जिसमें से देख लें, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इस तरह कैसे यहाँ से फिर इसको लेंगे, क्योंकि अंतरा जो पार्ट में बना रहा हूँ तो इसमें आप लोगों को वाकई में क्या करना पड़ता है, ये छोटा छोटा इसमें जो भी है उसको लगाना पड़ता है,
और हमेशा आप लोग जो भी आप लोग यहाँ पर है इस पर देख लीजिएगा क्योंकि आप कितना पार्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं लेकर आने वाला है कि पूरा आप लोगों अंतरा पार्ट कैसे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को देखते नहीं है, ठीक है ना। इससे मेरा मन जो है ना कि बड़ा व्याकुल हो जाता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप लोग लाइक भी कीजिएगा ना तो मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि देखिए मैं जिस तरह सीखा हूँ ना भाई, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सीखिए, ठीक है ना, वो आप लोगों को साथ ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम।